हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे सुबह सुबह 7 बजे सब भाई लोग यहाँ पे मिलके अपना अपना काम बांट रहे कि जिनको जिसके पास जाना था वहाँ जाने का तैयारी हो रहा है। फिर यहाँ पे आप हो जा रही हैं फिर से छत पे मुड़वा के नीचे बैठने के लिए। फिर वो जो हल्दी उतारने वाला रस्म होता है, तो सुबह नहाने से पहले ये हल्दी उतारने वाला रस्म होता है, तो वो हो रहा है। ये देखो, और यहाँ पे थोड़ा सा माहौल इमोशनल वाला हो गया है। आप भी सब लोग इमोशनल हो गए। फिर उसके बाद फिर हम लोग 3:30-4 बजे से ही हम लोग रेडी होना शुरू हो गए थे सब मेकअप करना, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाते इतने सारे लोग एक साथ होते थे। ये देखो, आप भी आज ब्राइड हैं लेकिन फिर भी उनको रेडी करवाना पड़ रहा। इनफैक्ट मेरा भी मेकअप वही की थी हम किए, तो उतना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसके बाद फिर वो कर दी। और यहाँ पे फिर भाभी आई हुई थी, आस पड़ोस की दोनों भाभी हैं ये दोनों, तो वो लोग आई हुई थी आपों से मिलने के लिए। यहाँ पे सबका मेकअप चल रहा है, मेरा मेकअप हुआ था लेकिन फिर आपों सेटिस्फाई नहीं हुई मेरे मेकअप से, तो फिर से खुद से किए मेरा मेकअप। उसके बाद फिर मेकअप करवाते करवाते हमको भूख लग गया, तो हम खाना खा लिए। ये बात तो पता ही होगा कि प्रेगनेंसी में थोड़ा भूख ज़्यादा लगता है और खाने का तो बहुत कम मन करता है। हर चीज़ आप खा नहीं सकते, जो आपको पसंद होता भी है वो भी नापसंद होने लगता है। तो बस जो भी थोड़ा बहुत मन करता है वही खा लेते थे हम। तो ये हम चिप्स खा रहे हैं वहाँ पर। और बस मेरा मेकअप डन हो चुका है, मेरा ड्रेस करना बाकी था। उसके बाद फिर हम लोग हॉल पहुँचे। ये तो हॉल यहाँ मेटिया ब्रूज में 28 नंबर में, और ये हॉल था क्रिस्टल प्लाजा, वो बुक हुआ था आपके शादी के लिए। तो फिर हम लोग वहाँ गए एंट्री के सेलिब्रेट हुआ था वहाँ पे। हाँ सही है, तुम लोग आते ही खाने में लग गए। सही है सही है। तुम क्या खा रहे हैं? सो गाइस, हम लोग हॉल में पहुंच चुके हैं, अभी जा रही बस ऊपर। यहाँ पे जो स्टेज सजा था, यहाँ पे ग्रूम के लिए सजा हुआ था, तो आदिल भाई यहीं आके बैठने वाले थे। तो गाइस, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग सिर्फ घर के ही लोग यहाँ पे हैं, अभी कोई गेस्ट नहीं आए बाहर। हम लोग जल्दी आ गए क्योंकि बारात हम लोगों का 9 बजे, उन लोगों ने कहा है कि 9 बजे पहुँच जाएंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग आ गए यहाँ। सब गेस्ट आएंगे आए धीरे धीरे। तो ये देखो पीछे सिर्फ हम ही लोग हैं। शोन परी तैयार हुई है, इनकी उमाई जो तैयार हुई लहंगा पहन के, अम्मो का शादी में लहंगा पहन के बाबू तैयार हुई है। शोन ओ मेरा बच्चा, अम्मो के शादी में आए हो? ये देखो कितना खुश है। ये रोहन का देखो, रोहन का आउटफिट देखो, हैंडसम हैंडसम बहुत हैंडसम दिख रहे हो रोहन तुम। सो गाइस, और ये स्टार्टर में चिकन पकौड़ा था, पता नहीं कैमरे में ऐसा कलर क्यों आ रहा, लेकिन अच्छा वाला कलर था चिकन पकौड़ा का। और ये हलीम का भी कलर बहुत ज़्यादा खुल के पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है कैमरे में, लेकिन अच्छा और टेस्टी वाला था।
गाइस यहाँ पे आप लोगों का शूट चल रहा है। पकौड़ा और हलीम के बाद आया हम लोगों के लिए पुचका का बारी, तो हम लोग सब पुचका खाए। अच्छा हुआ हम लोग ना सब कुछ पहले खा चुके थे, क्योंकि इसके बाद तो हम लोग को कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला। इनफैक्ट स्टेज से भी नहीं उतरे थे हम। तो यहाँ पे हम लोग वेलकम के लिए खड़े हैं। दूल्हे का गाड़ी आ चुका है यहाँ पे, लेकिन दूल्हे के पापा का गाड़ी नहीं आया है, वो अभी आ रहा है, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। ये क्या वो सामने आ भी गया, चलो अच्छा है। तो हम लोग यहाँ खड़े हैं, चलो वेलकम का टाइम हो चुका है। ये ब्लॉगिंग हम लकी के मोबाइल से कर रहे हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल में सिर्फ 2% चार्ज है। आज इतना बिजी थे कि हम चार्ज भी नहीं लगाए, अफसोस। तो हम लकी के मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ऑफिशियली आपको आदिल भाई की हो गए, और हम लोगों को बहुत रोना भी आया है। आपको के जाने का बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बस और अब्बानी है जी। हाँ कैसा भाई भाई वैसे नहीं वैसे नमाज पढ़िए, पुराना नमाज होने से नहीं, अल्लाह के सामने कीजिए, पुराना नमाज ऐसा कीजिए। हो गया जी। हाँ आप
पहले उनको जाने दो। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह कल रात में सब कुछ अच्छे से हो गया, आपों का निकाह शादी सब कुछ अच्छे से हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और बस रात में हम लोग बहुत लेट हो गया था घर आने में, और लगभग 5 बजे सुबह के बाद हम लोग सोए थे फजर के बाद। सो बस अब हम लोग सुबह नहीं, हम लोग 12 बजे लगभग उठे, फिर नाश्ता वास्ता हो गया है। अभी 2 बज रहे हैं, 2:15 हो रहे हैं, जा रहे हम लोग अपना रूम समेटने के लिए। ये देखो कितना सारा रूम फैला हुआ है, बस रात में आए रखे, जो भी काम था सब आप ही लोग की, जितना खाना वाना बच के आएगा इधर उधर रखना होता है ना वो सब की, और फिर हम लोग सो गए। हाँ कैसे लॉक हो जाता है तुम्हारा? लो तो मैं सभी सब नाश्ता हो गया है, ये हम जा रहे समेटने के लिए इस वाले इसमें, और इसमें पूरा गिफ्ट है जो कुछ ही मिला है शादी में। और मेरा रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हिम्मत नहीं हो रहा है, और बहुत हिम्मत नहीं हो रहा है, बहुत थका थका सा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी समेटना तो होगा यार, बहुत ज़्यादा काम है। वैसे हमें तो बहुत ही कम काम है बाकी सबके मुकाबले, आप ही लोग तो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, हम तो कुछ नहीं। आप ही लोग का क्या होता है ना, आप लोग सोचोगे कि हम उतना काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं करते, नॉर्मली हम करते हैं, लेकिन ऐसा क्या है भीड़ भाड़ में आप ही लोग बोलती हैं कि नहीं हम लोग जब सब हैं तो तुमको कोई ज़रूरत नहीं करने के लिए, तुम एक ही भाव भी हो, तुम आराम से रहो, ऐसा वाला। हम लोग हैं, हमको वो लोग छोटी समझती हैं, तो इसलिए छोटी समझती छोटी हैं तो वो इसीलिए हमको नहीं करने देती हैं, बोलती नहीं तुम आराम से रहो हम लोग कर लेंगे। और छोटी अम्मी लोग भी आई हुई हैं तो इसीलिए वो लोग बोली नहीं एक बहू है हम लोगों की, और ऐसे आराम से तुम लोग उतना ज़्यादा तुमको प्रेशर लेने का ज़रूरत नहीं है। सो हम देखो कितना अच्छा ससुराल है ना मेरा, बहुत लक्की होते वो लोग जिसका ससुराल मिलता है। ये है मेरा रूम जो कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, स्ट्रेटनर वहाँ रखा हुआ है, कल वैसे ही करके गए और हो के वही रखा है, बस जो जहाँ है वही पड़ा हुआ है। ये देखो उमाइजा क्या कर रही वहाँ, उमाइजा शोन गई, चलो बाद में। सो गाइस इस व्लॉग में इतने ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आप लोग भी मेरी आपा की शादी का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ आप लोग ना मेरी आपों को बहुत सारा दुआ देना कि वो अपने घर गई हैं, अपने ससुराल गई हैं तो वहाँ खुश रहे, अच्छे से रहें, कोई भी प्रॉब्लम ना हो उनको, तो ये दुआ कर देना आप लोग प्लीज़। चलो चलो गाइस बाय, अल्लाह हाफिज़।